तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आमिना शेख। और आज मैंने व्लॉग शुरू करी हूँ एक रेसिपी से। आज मैं बना रही हूँ बेसन का पोला। तो वो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरी सास आ जाए हैं घर पे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों बाद आए हैं। वो आज जल्दी आ नहीं पाते क्योंकि मेरा जो घर है ना वो दो माले पे है, तो दो माले पे उनको चढ़ने जरा प्रॉब्लम होती है घुटने वगैरह में, पैर में। तो वो बहुत दिन दिन के बाद मेरे पास आते हैं, तो आज वो आए हैं दो दिन के लिए रुकने के लिए। और मेरी सास जो है ना वो मतलब नॉनवेज वगैरह बहुत कम खाते, तो मैं सुबह से थोड़ा उन्हीं के साथ बिजी थी, उन्हीं के साथ बात कर रही थी। मैंने ब्लॉग जल्दी शुरू नहीं करी, मैंने अभी शुरू करी हूँ। और उस पर भी मैं सिर्फ आज रेसिपी ही बता पाऊंगी, क्योंकि कैसा है ना अभी रात ज्यादा हो गई, तो कुछ ज्यादा बताने के लिए मेरे पास रहेगा नहीं। तो मैं ये बना रही हूँ पोला, इसको पोला बोलते हैं। और ये है ना शादी से पहले हम लोग अपने घर में बनाते थे, इसको बेसन का चीला बोलते, नॉर्मल लोग चीला भी बोलते हैं और पोला भी बोलते हैं। पोला में शादी के बाद मेरे समझ में आया कि इसको पोला बोलते हैं। तो इसके अंदर जो जो सामान लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी सास के गांव में, मतलब मेरी सास का जो गांव है ना भालूनी, वहाँ पर ये बहुत शौक से बनाते हैं सब लोग, और बहुत ज्यादा ही शौक से खाते हैं, वहाँ पर पसंद है, फेमस डिश है। तो यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरी सास को ये बहुत पसंद है, तो उन्होंने रात में मेरे से फरमाइश करे कि मेरे लिए तू पोला बना। तो अभी मैं बनाती हूँ, और मैंने सोची कि ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कैसा बनाते हैं। इसको चीला भी बोल सकते हैं आप लोग, इसको पोला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डालते हैं। अब इसमें जो है ना मैंने दो बाटी बेसन ले ली हूँ, और उसमें नमक में मैंने हिसाब से अपने डाल दी हूँ। और उसके साथ साथ में क्या है, ये टमाटर है, दो बड़े टमाटर ली हूँ मैंने। मिर्ची मैंने मेरे हिसाब से ली हूँ, क्योंकि मिर्ची ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, मतलब तेज ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है मेरे घर में, मेरी सास को भी इतना पसंद नहीं है। ये कोथमीर ली हूँ उसके साथ में डालने के लिए, और एक मीडियम प्याज मैंने ली हूँ, उसको बारीक चॉप कर दी हूँ। टमाटर भी इस तरीके का ही ली हूँ, उसको इससे भी ज्यादा हम बारीक चॉप कर सकते हैं, पर मैंने ऐसा करी हूँ, हम लोगों को इतना चलेगा। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, उसके बाद मैं धीरे धीरे ये सब चीजें मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसको मैं अच्छे से पानी डाल के पहले मिक्स कर रही हूँ, इसकी जो भी गांठे वगैरह है ना वो निकल जाना चाहिए, वैसे रहेगी भी तो इतना प्रॉब्लम नहीं, पर अभी ज्यादा हो जाएगी ना अगर ये सामान डाल दूंगी तो मैं इसमें। तो उसको पहले मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से, उसके बाद में मैं इसके अंदर जो भी है टमाटर कांदा वो जो डालना है वो मैं डालूंगी। तो देखिए गाइस, इसको मैंने अच्छे से मिला ली हूँ, जरा जरा सी गांठे है, ज्यादा गांठे बड़ी बड़ी नहीं है, तो इतना चलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें सामान डाल के इसको मिक्स करेंगे ना तो वो बैठ जाएगा इसके अंदर। तो और हाँ, हल्दी भी लगेगी गाइस, मैंने हल्दी भी निकाल के रखी हूँ साइड में, वो मैं डालूंगी अपने मतलब जितना पीला चाहिए उस हिसाब से। अब मैं इसमें डाल दूंगी सारे टमाटर, दो टमाटर पूरा अच्छे के हाँ डाल दी, टमाटर भी अच्छा लगता है, कांदा भी बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। और ये कोथमीर तो समझ लो मेरा फेवरेट है, मैं सब चीजों में कोथमीर डालना पसंद करती हूँ, मुझे इसकी खुशबू और उसका टेस्ट और उसकी जो खूबसूरती जो खाने में बढ़ती है ना वो मुझे बहुत अच्छा। लेकिन तुम एक चीज में नहीं डालते, किसमें, उसमें कचुम्बर में हाँ कचुम्बर में मैं कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ, ऐसा ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि कचुम्बर बनने तक का कोथमीर खत्म हो जाती है, तो मैं नहीं डालती, नहीं तो थोड़ा ध्यान देती हूँ जब रहता है तो मैं डाल देती हूँ। तो उसको मैं अच्छे से अभी मिक्स करूंगी और आपको बताऊंगी। अभी देखिए ये जो है ना इतना थोड़ा गाढ़ा लग रहा है मुझे, ज्यादा मतलब ठीक लग रहा है, इसको मैं पतला करूंगी। तो इससे पहले मैं क्या करूंगी, इसके अंदर हल्दी डाल दूंगी। अभी हल्दी से तो पीला हो जाएगा ना पूरा, हाँ ये पीला हो जाएगा। और हल्दी देखिए आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से डालो, किसी को कम पीला लगे या ज्यादा लगे तो हम वैसा डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा पानी, और बन गया ये कितना हो गया है परफेक्ट, ये परफेक्ट बन चुका है मेरे हिसाब से। अभी मैं इसको आपको बना के बताऊंगी, और मम्मी मिक्स वेल कर दो, हाँ मैं कर ही रही, पर ये काफी है बेटा, हाँ ये काफी है, मिक्स हो चुका है तो थोड़ा और अच्छे से होएगा तो थोड़ा और मजा आएगी खाने में। उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, और जो इसके अंदर जो कांदा और जो टमाटर जो पोला बनने के बाद में जो मुंह में आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, आपको मैं बना के बताती हूँ। तो देखिए गाइस ये तेल मैंने डाल दी हूँ तवे पे और वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये डाल दूंगी पोले का सामान, पोले का सामान, पोले का बैटर, अब मैं इसमें डाल दूंगी पोले का बैटर, सामान की हद है पोले का, हा हा अब कब बनेगा कब खाएंगे, अभी हो जाएगा, ये भी पतला पतला रहता है और इसे हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से सेट करना पड़ता है।
जो मजा आएगी ना खाने में। हाय हाय हाय, आप इसमें हल्दी कम ज्यादा भी कर सकते हैं गाइस, मैंने मेरे हिसाब से डाली हूँ, आप लोग इस तरीके से भी डाल सकते हैं। जिसको हल्दी नहीं चाहिए ना, ये सुबह नाश्ते में भी खाते हैं और ये डाइट के लिए बहुत अच्छा है। आपको मैं बता दूं, बेसन जो होता है डाइट के लिए अच्छा होता है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम लोगों को तकलीफ दे। बेसन अच्छा है, टमाटर अच्छा है और कांदा अच्छा है, कोथमीर अच्छी है, सब चीजें इसको हम कम तेल में भी बना सकते और ज्यादा तेल में भी हम बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कैसा है कि ये चीज जो है डाइट के लिए बहुत अच्छी है ना, हम हल्का सा भी तेल लगाएंगे ना तो ये नीचे से साइड से निकल जाएगा। लेकिन एकदम हल्का तेल, एक से डेढ़ चम्मच या दो चम्मच हम ड्रॉप ड्रॉप करके डाल के इसको हम अच्छे से बना सकते, ज्यादा कुछ चिपकता नहीं है, देखो साइड से निकल जाते। और इसको पलटा देंगे ना, पलटाऊंगी लेकिन अभी थोड़ी देर रुक के, ऊपर से पूरा पक जाएगा ना तो ये अच्छे से पलट जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए गाइस, ये अलहमदुल्ला नीचे से तो पूरी तरीके से सीख चुका है, देखिए ये देखिए यहाँ से तो हो चुका है वो, ये देखिए यहाँ से हो गया है, देख लिए हमने, अब इसे हमें पलटाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आहा हा, और बेसन की तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था, खुशबू बहुत अच्छी आती है बेसन की, रवे की। हम अगर कोई चीज बना रहे ना इसे बेसन रवा, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी। बस हल्का हल्का तेल लगाना है हमें। अभी देखो हम तो डाइट के हिसाब से खा रहे नहीं है, डाइट वाले लोग इस तरीके से खा सकते हैं एकदम कम तेल डाल के। तो मैंने भी आज के लिए बना रही हूँ, हम लोग अभी खाने वाले हैं, हम लोगों को डाइट का इरादा नहीं है, तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा भर भर के तेल डाल रही हूँ ताकि ये जो है हम लोगों को थोड़ा और टेस्टी लगे। बाकी ये जो है डाइट वाले लोग उसको कम तेल में या कम घी में, जो देसी घी होता है उसमें भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको क्या करना है ना, हमें थोड़ा दबा दबा के, ऐसा दबा दबा के इसको बनाना है, क्योंकि जो बेसन रहता है ना वो अक्सर थोड़ा अंदर कच्चा रह जाता है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि बेसन कच्चा ना रहे। और इसको तो ऐसे सादा भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग इसको रोटी के साथ खाने वाले हैं। कितना अच्छा माशाल्लाह कलर आया है इसमें, गोल्डन गोल्डन, और इसमें जो बीच बीच में कांदा टमाटर आता है ना, ये मिर्ची, ये बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए। तो मैं आपको एक डिश आउट करके बताती हूँ और मुहाफिस को खिला के बताती हूँ कि कैसा लगा, उसके बाद में मेरी सास का भी आपको राय बताऊंगी कि कैसी लगी है। तो देखो मम्मी को खिला रहे हैं, देखो क्या मस्त है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। ये ले मुहाफिस, ये निकालती हूँ मैं, बताए देते। देखिए माशाल्लाह एकदम अच्छे से शैलो फ्राई हो गया है, मैं जल्दी खिला एक बार, मैं दूसरा भी बनाती हूँ, देखिए गाइस। क्या खुशबू आ रही है, है अभी मैं है ना मुहाफिस को एक खिला के बताती हूँ, अभी तो बहुत गर्म है ये, एक मिनट रुक जाओ। ये साइड वाला क्यों ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये साइड वाला ठीक है, ठीक है। ये गाइस मैं खाने वाला हूँ, देखते कैसा, बहुत गर्म है बेटा, लेकिन अभी गर्म गर्म खाने में मजा आएगा, ये बहुत ही गर्म है, थोड़ा कम करो, इसको फूंक दे दे। गरम है ना, बहुत टेस्टी है, गरम गरम है, संभाल के खा, अच्छा लग रहा है। एक नंबर, एक और बार खिला लो। अभी मेरी सास को भी मैं बताऊंगी खिला के, पीछे बैक कैमरे में वो बोलेंगे जरूर इंशाल्लाह कि कैसा बना है। अभी तो फिलहाल मैं मेरे बेटे को आराम से खा, मिर्ची थोड़ा निकाल दो ना, मिर्ची नहीं है इसमें, फूक फूक पहले फूक। गाइस आप भी खाना, बहुत मजा आएगा, और डाइट वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, अभी मैं और बनाती हूँ फटाफट से और फिर दस्तर पे बैठ के मिलती हूँ इंशाल्लाह। तो देखिए गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे मेरे चीले बनके या पोला बोलो वो बनके रेडी हो चुका है। मैं यहाँ डाल रही हूँ गरम गरम रोटी, मम्मी है ना मेरी सास, मतलब रोटी ज्यादा मतलब खाते हैं, तो उनके लिए मैंने रोटी बना रही हूँ गरम गरम, और ये गरम गरम मैं सर्व करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो गाइस मैंने बना दी हूँ और मैंने दस्तर पे निकाल दी हूँ, अभी मेरी सास को मैं देती हूँ और मेरी सास क्या बोलते हैं वो आप लोग देखो जरा कि क्या बोलते हैं, उनको पसंद आया कि नहीं आया है, क्योंकि वो बोले मैं बताती हूँ दस्तर पे बैठूंगी तो मैं बताती हूँ। मम्मी रोटी देती हूँ मैं तुमको, पहले रोटी इसमें दे दूँ तो पोला इसमें दे दूँ, पोला ले लो और मेरे को खा के बताओ। और मैंने बोली ना मम्मी को कि मम्मी मैंने इसमें मिर्ची डाली हूँ, तो फिर मम्मी बोले मेरे को खाली लाल चटनी दे दे, मैं उसके साथ में मिक्स करके खाती हूँ, अब खा के बताओ मम्मी।
वैसा उसमें वो रहता बच्चे वाला। कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा बना ना। नमक मिर्ची सब बराबर है मम्मी? बराबर है, सब बराबर है। चलो अच्छा है। और तुमको अच्छा लगा ना, तुम्हारे गांव का तुम्हारी ये डिश है? बहुत अच्छा। चलो मैं तुमको भी दे दूँ। चलो तो आप लोग भी गाइस ये जरूर ट्राई करना, क्योंकि और मेरे हस्बैंड तो ना ये ऐसा ही खाते है, डायरेक्ट बोलेंगे मेरे को डायरेक्ट दो। ये लो माफी, चला जा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास को तो अच्छा लगा, अल्लाह का शुक्र है। और वो ऐसा नहीं कि आज ही बोल रहे हैं, इससे पहले भी वो जब भी आते हैं ना तो वो मेरे को ये मतलब फरमाइश, अगर मैं बोलूँ मम्मी ये बनाऊँ क्या तो फौरन तैयार हो जाते हैं, हाँ कि मेरे लिए ये बना दे पोला, और उनको अच्छा लगता अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने समझो बना दी। हम लोगों ने दोपहर में चिकन का सालन खाए थे, अभी भी सालन है घर में रखा हुआ, लेकिन क्या है ना मेरी सास को मैं बोली ना नॉनवेज ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो ये खाते हैं, और इसके साथ अगर दाल वगैरह कुछ भी नहीं रही तो उनको अच्छा लगता है, ये सादा भी खा सकते हैं। तो गाइज अभी मैं भी खाती हूँ, क्योंकि मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिश है ना मैं अकेले में बना के नहीं खाती हूँ, मेरी सास आते ना तभी मैं बना के खाती हूँ। तो अभी मैं भी खाती हूँ और खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज हम लोगों का खाना वाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किचन विचन भी सब साफ सुफ करके रख दी, और मुझे आज ब्लॉग शुरू करने में इसलिए थोड़ा लेट हो गया ना, क्योंकि मैं आपको बताई थी परसों के ब्लॉग में कि मुझे कपड़ा एक सिलना था, मैंने वो कटिंग कर दी थी, तो वो कपड़ा देखो मैंने सिल चुकी। तो देखिए गाइज ये ना कमीज का भी कच्चा पक्का सिला हुआ है, इसको मैंने पूरा नहीं सिली हूँ, और यहाँ पर शलवार भी सिलना बाकी है। तो कैसे है ना कि अभी मेरे को काम मेरा हो गया है, खाना वाना हो गया, तभी मैं बैठ के कम्प्लीट कर लूँगी, पर इतना सिलने के लिए मुझे टाइम लगा था, इसलिए मेरा ब्लॉग शुरू थोड़ा लेट हुआ है। तो ये मेरा इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं रईस मूवी, और ये शाहरुख खान की हम लोग ने देख चुके हैं, लेकिन एक मरतबा हम लोग और देख रहे हैं शाहरुख खान की मूवी। और गाइस मैं यहाँ पर आके बैठ गई, वहाँ पर आप लोगों को बता दी कि मैं कपड़े सिल रही हूँ, और क्या है ना बच्चे लोग देख रहे हैं, ज़रा मूवी देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, मेरी सास देख रहे हैं बैठ के, तो मैंने लोगों को डिस्टर्ब नहीं करी। मैं बोली चलो मैं बाहर जाके बात करती हूँ आपसे, और मैं थोड़ा राउंड मारने आई थी चाली में, लेकिन सब चाली में बैठे हैं ना, मतलब खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं चाली में एक दूसरे के साथ, तो मैं इसलिए वहाँ तक नहीं गई, नहीं तो मैं थोड़ा राउंड मारते मारते आपसे बात करती थी। तो गाइज आप लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? जो पोला था नॉर्मल पोला था, इतना कोई ख़ास या फिर उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डली थी, सिंपल रेसिपी थी, लेकिन वो डाइट के लिए भी बहुत अच्छी है। हाँ बेटा खा लेना मम्मा थोड़ा सा। अच्छा अब्बा को दे दे, अब्बा खा ले, अब्बा खा लेंगे। नहीं बेटा मैं नहीं खा सकती, मैंने बहुत माशाल्लाह चीला खा लिया, पोला खा लिया। जैसे जी अब्बा को दे। तो उसमें मिर्ची है ना, धोने ने खाई नहीं ना, तो उसको मैंने जैम रोटी, तो मुझे खिला के चले गई हूँ ने जैम रोटी। तो इस तरीके से सब हो गया। और दूसरा कैसे कि मैं आप लोगों को कल भी और सुबह में नाश्ते में एक वीडियो बनाने वाली हूँ, एक नई डिश बनाने वाली हूँ, मतलब चीला ही बनाने वाली हूँ, वो भी मेरी सास की एकदम फेवरेट है, तो वो मैं बनाने वाली। तो आप लोग इसके अगला वाला जो ब्लॉग है वो ज़रूर देखना। और मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आज का डिश कैसी लगी, ब्लॉग तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, डिश कैसी लगी वो आप मुझे ज़रूर बताना। चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग में, ब्लॉग के साथ या फिर डिश के साथ में, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।